अमेठी का ये गौरव है कि वो गरीब मां का लाल जो साल 2014 में इसी पुण्य भूमि पर पधार के आपका स्नेह आपका आशीर्वाद प्राप्त कर भारत के यशस्वी प्रधान सेवक बने, उसी पुण्य धरती पर एक बार फिर श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का आज पदार्पण हुआ है। नरेंद्र भाई, ये वो मैदान है जिसने साल 2014 में विश्व के लिए जयघोष किया था, एक स्वर में हिंदुस्तान को बताया था कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। ये वही जनता है जिसने साल 2019 में एक ऐतिहासिक घोषणा दोहराई और फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद आज ये कर्मठ स्नेही जनता एक नए संकल्प के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई है। इस बार ये जनता घोषित करती है कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी योगी सरकार। इस मंच पर आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों से जोड़ूंगी अमेठी के हर उस नागरिक को जिनको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं साल 2014 और 19 में वचन दिया था। प्रधानमंत्री जी ने इसी स्नेही जनता से करबद्ध निवेदन किया था कि वर्षों वर्ष आपको एक परिवार ने इस पुण्य धरती पर छला है, एक बार कमल के निशान पर विश्वास करें, एक बार कमल के निशान को अपनाकर सेवा का मौका दें और हम 5 सालों में वो कार्य कर दिखाएंगे जो गांधी खानदान इस क्षेत्र में 50 साल नहीं कर पाया। आज अमेठी की दीदी होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि एक तरफ 30 साल से अमेठी का लंबित बाईपास आपके आशीर्वाद से बन पाया, दूसरी ओर 40 साल से मेडिकल कॉलेज बनाने का छलावा जो कांग्रेस पार्टी करती आई, आपने उनके छलावे का अंत कर विकास को नए स्वरूप में परिभाषित कर न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके अमेठी को धन्य किया बल्कि साथ ही तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इन 5 वर्षों में अमेठी में 15 अरब रुपये का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर पाई हैं। प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार इन 5 वर्षों में अमेठी में 255 सड़कों के माध्यम से 530 किलोमीटर की सड़कों का जाल पूरे जनपद में बिछाया गया है। आज अमेठी धन्य है कि 50 साल वो एक खानदान अमेठी में एक सैनिक स्कूल न खोल पाया। सैनिक स्कूल का तोहफा भाजपा का कार्यकर्ता नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से अमेठी लेकर आया। मैं आज वाणी को विराम देने से पहले आप सबको याद दिलाना चाहती हूं, यह वो अमेठी है जिसमें वर्षों तक गांधी खानदान ने, कांग्रेस पार्टी ने रिश्तों का छलावा किया, लड़कियों के उत्थान की बात की, लेकिन जायज में जो सरकारी भूमि लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिकृत थी उसको कांग्रेस के गांधी परिवार ने अपने परिवार में सम्मिलित कर अपने लिए ऑफिस बनाया, दफ्तर बनाया। अमेठी साक्षी है कि जिस मैदान पर आज हम सब उपस्थित हैं
वो मैदान गौरीगंज के किसानों से जमीन ली गई ये छल कर कर कि किसानों को उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस के इस परिवार ने किसानों की उन जमीनों को खुद अपने फाउंडेशन में जब्त करके जब किसानों ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ कांग्रेस के स्वयं नेता कोर्ट में चले गए कि किसानों को उनका अधिकार ना मिले। मैं जानती हूं कि कल भी कांग्रेस के वो नेता जगदीशपुर पधारने का प्रयास कर रहे हैं जिनको अमेठी ने 2019 में विदा कर दिया, लेकिन हास्यास्पद है ये बात कि कल वो आएंगे, रिश्तों की दुहाई देंगे, राम का नाम भी कदाचित लेंगे, लेकिन आज जगदीशपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि जो राम के नाम के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज देता है वो जगदीशपुर में राम के नाम के मैदान पर कब्जा करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गुंडों पर बुलडोजर चलाकर वो जमीन जनता के लिए रिक्त करती है। ये वो भूमि है जिस पर लाल टोपी वाले आते हैं, कहते हैं कि जाओ, 7 साल से तपस्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जाकर सांसद की पीठ पर छुरा भोंको। आज लाल टोपी वालों से भी कहना चाहती हूं कि आपका ये छलावा चल नहीं पाएगा। जिसने इन कांधों पर सुरेंद्र सिंह की अर्थी को उठाया है उसके सीने पर भी वार करोगे तो अमेठी का ये नागरिक 27 को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। आज प्रधानमंत्री जी आप पुनः पधार कर अपने शब्दों से हम सबको धन्य कर रहे हैं, ऐसी हम सबकी अभिलाषा है। अमेठी और सुल्तानपुर की टीम की ओर से आपका विशिष्ट अभिनंदन करते हुए हम सबकी ओर से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, सैनिक स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, बाईपास हो या 70,000 परिवारों को जीवन में पहली बार रोशनी देने का काम हो, प्रधानमंत्री जी आपने गरीब के जीवन को रोशन किया। आज वही गरीब इस मैदान में उपस्थित होकर आपसे कह रहा है कि अमेठी है तैयार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की सरकार। बोलो भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र